अगर आपके आसपास है कोई परेशानी, ना सुनते हैं पत्रकार और ना सुनते हैं अधिकारी, तो अब घबराना क्या, बनाइए वीडियो और भेज दीजिए हमें। अब हर रोज चलेंगी वे खबरें जो भेजेंगे आप हमें। समाज हित से जुड़ी कुछ चुनिंदा वीडियोस को मिलेगा उपहार। नीचे दिए गए नंबर्स पर वीडियो भेजिए और पाइए मुफ्त नेट रिचार्ज। अब इंतजार किस बात का, कहिए मैं भी पत्रकार। अब आप भी रिपोर्टर हैं। अब आपकी किसी भी समस्या को प्रशासन तक हम पहुंचाएंगे। आपकी समस्या को गहलोत सरकार तक पहुंचाकर उसके समाधान का प्रयास करेंगे। यही नहीं, समाज में किए गए बेहतर कामों के लिए प्रशंसा हम करेंगे। इसी क्रम में द एंगल के कैंपेन मैं भी रिपोर्टर के तहत आज हम आपको रूबरू कराएंगे गोविंदगढ़ और सीकर की खबरों से। जहां गोविंदगढ़ में महिला सशक्तिकरण का नजारा देखने को मिला, तो वहीं सीकर से एक व्यक्ति ने अपनी गुहार लगाई है। आगे देखिए। द एंगल में मैं भी रिपोर्टर कैंपेन के तहत आज हम सबसे पहले आपको जयपुर ग्रामीण के गोविंदगढ़ कस्बे की खबर से रूबरू करा रहे हैं। ये खबर हमें स्थानीय निवासी सुनील कुमार शर्मा ने भेजी है। दरअसल यहाँ प्रेरणा टीम मिशन सबला परिवार की ओर से महिलाओं को, विशेष तौर पर बच्चियों को, आत्मरक्षा के गुण सिखाए गए। इसके तहत इस इलाके में 20 दिवसीय मिशन सबला कैंप चलाया गया। कैंप में छुट्टियों पर आए सेना के 2 जवानों ने 172 महिलाओं को ट्रेनिंग दी। कैंप में महिलाओं को आत्मरक्षा के गुण तो सिखाए ही गए, साथ ही उन्हें योगा का प्रशिक्षण भी दिया गया। कैंप के समापन के मौके पर स्थानीय लोगों ने अधिक से अधिक पेड़ लगाने का संकल्प लिया। वहीं द एंगल के कैंपेन के तहत हमें दूसरी खबर श्री माधोपुर के खेरोती वाया गंगेश्वर ग्राम से मिली है। यहां रहने वाले हरिराम का कहना है कि उनकी जानकार रुकमा देवी पिछले लंबे समय से विद्युत कनेक्शन के लिए दर दर भटक रही है, लेकिन स्थानीय प्रशासन की लापरवाही है कि उनकी कोई भी सुनवाई नहीं हो पा रही है। अगर आपके आसपास है कोई परेशानी, ना सुनते हैं पत्रकार और ना सुनते हैं अधिकारी, तो अब घबराना क्या, बनाइए वीडियो और भेज दीजिए हमें। अब हर रोज चलेंगी वे खबरें जो भेजेंगे आप हमें। समाज हित से जुड़ी कुछ चुनिंदा वीडियोस को मिलेगा उपहार। नीचे दिए गए नंबर्स पर वीडियो भेजिए और पाइए मुफ्त नेट रिचार्ज। अब इंतजार किस बात का, कहिए मैं भी पत्रकार।